हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग कुछ 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 इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले बहुत हैं? मजेदार। एक्चुअली में क्या है कि यार, अभी आपने देखा होगा बिग बॉस में 9 मिनट का टास्क था कि भाई सब बैठ जाते हैं कि भाई देखते हैं कौन टाइम के सबसे क्लोज आके बता देता है बिना टाइम देखे कि 9 मिनट हो गए। हाँ, तो इसमें तो पता ही है वो कौन, पर हम लोग भी ट्राई करने वाले हैं टास्क अभी। तो हम भी हम लोग सेम टास्क अभी ट्राई करेंगे कि भाई मैं इंदु से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मतलब हम 5 मिनट का करेंगे, 9 मिनट का नहीं करेंगे, 9 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो और इंदु मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी मतलब, और हम एक साइड में टाइमर लगा देंगे, स्टॉपवॉच लगा देंगे, तो जो सबसे पहले मतलब नजदीकी होगा वो विनर होगा। तो आपको क्या लगता है, पहले आप कमेंट में ये बात बता देना, मैं जीतूंगी। बाद में आप देख लेना। फॉर इंदु। चलो देखते हैं दोस्तों कैसा होगा। वोट फॉर सचिन इंदु। तो अभी अपन इंदु से शुरू करेंगे। अभी इंदु बैठ गई है और मेरे हाथ में है स्टॉप वॉच, तो अभी आप टाइम देख लो। अभी भी नहीं बताएंगे, अभी तो चलो 0-0 है। तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ और इंदु से आप क्वेश्चन पूछना अपन शुरू करते हैं। और इंदु और बता कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। तो बिग बॉस में अभी तक मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है एकदम, बहुत बढ़िया है। और कौन है आपका फेवरेट? आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतना चाहिए? मुझे तो लगता है शिव को जीतना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा लॉयल ही खेला है। उसने हमेशा अपना पॉइंट और अच्छा सब कुछ उसने सही रखा है हमेशा। तो लोग कह रहे हैं कि प्रियंका भी बहुत अच्छा खेली है, प्रियंका भी तो जीत सकती है ना? हाँ, बट मेरे लिए तो शिव फेवरेट है, क्योंकि वो कभी इतना ज्यादा चिल्लाया विलाया नहीं है। उसने जो पॉइंट है चिल्लाया नहीं है। हाँ, मुझे तो कभी नहीं लगा कि शिव चिल्लाया है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अच्छा खेला है, मतलब एज अ कंटेस्टेंट मुझे लगता है शिव जीतना ही चाहिए। अच्छा, और तो शिव तो तेरा फेवरेट हो गया तो मतलब। और ये बता, अर्चना ने कुछ कुछ डिशेस बनाई थी भाई, क्या क्या डिश बनाई थी कुछ याद है? थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के बता, ऐसे थोड़ा ना जल्द आज पुराना सोच के बता यार। तो अर्चना ने तो बनाए थे, एक बार पूड़े बनाए थे, मतलब एकदम देसी खाना बनाती है। और रिसेंटली पकोड़े बना रही थी, हमने देखा उसके प्लेट में पकोड़े रखे हुए थे, तब भी उसने और पकोड़े तले थे, और उसकी अदरक की चाय, ओहो हो हो, और उसको रसगुल्ले बना रहे। पता नहीं उसने रसगुल्ले बना पाई है कि नहीं बना पाई है, बट आई थिंक करने भूल गई हूँ, पता नहीं कैसा हो रहा है। और फिर उसने क्या बनाया, और क्या बनाया उसने, बनाया सारी बिरयानी बनाई थी। एक बार शेजवान साजिद के बर्थडे के दिन उसने शेजवान फ्राइड राइस, रोटी, सब्जी, दाल सब कुछ बना देती है। तो अच्छा, तो जो पकोड़े बना रही थी तो कब बना रही थी, सुबह था शाम था रात थी? अच्छा, सुबह सुबह पकोड़े खा रही थी। हाँ। तो चाय में ऐसे क्या क्या डालते हैं चाय बनाने के लिए यार? मतलब चाय में पानी डालते हैं, पानी में अगर आपको अदरक की चाय तो अदरक डाल दो, नहीं तो आपको काली मिर्च डालनी है काली मिर्च डाल दो, इलायची डाल तो सॉस भी डाल सकते हैं क्या चाय में, अगर सॉस डाल के बनानी है तो भाई किसी, मतलब सॉस कौन डालता है चाय में, डालते हैं क्या? अच्छा, कोई नहीं डालता सॉस। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर एक और बता, अभी तक फिनाले में कौन कौन जा चुका है भाई? की फिनाले में अभी शालीन, प्रियंका और अर्चना और निमृत तो पहले चली गई थी, आपको पता है मुझे इतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है निमृत, तो मुझे नहीं अच्छा लगा निमृत के, पर ठीक है बाकी लोग तो ठीक है। अच्छा, और फिनाले तक की तो ये बात होगी। तो एक बात और पूछनी थी, मतलब अभी क्या लग रहा है कौन एविक्ट होने वाला है अभी लास्ट में? मुझे लगता है टाइम अप हो गया है। पक्का? हाँ। तो दोस्तों आप देख लो भाई इसका क्या टाइम अप हुआ है, तो एंड में बताएंगे। हाँ, एंड में बताऊंगा मैं इसका टाइम क्या था। तो अभी मेरी बारी है, मैं रिसेट कर देता हूँ, नहीं तो इंदु देख लेगी कि भाई क्या टाइम था। हाँ, तो वो तो वीडियो में आ गया ना। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अभी सचिन वहां बैठ चुके हैं हॉट सीट पे। कैसे आप लोग? क्या लगता है करने वाले हो, ठीक करोगे? मेरे को लग रहा है कि मैं जो मैंने अभी तक, क्योंकि मैंने तो देख लिया ना इंदु का, तो मेरे को लग रहा है मैं इंदु से ज्यादा नजदीक जाने के बहुत ज्यादा चांस है मेरे, 5 मिनट के ज्यादा नजदीक। हाँ, 5 मिनट के बहुत ज्यादा नजदीक जाऊंगा एज कम्पेयर टू इंदु, फॉर श्योर है मुझे, क्योंकि मेरे को देखा इंदु का टाइम, आप देखोगे तो आप कहोगे अरे यार इंदु ने जल्दी, मतलब अरे जल्दी हो गया, मतलब इतनी जल्दी अप कर दिया था। तो देखते हैं, चलो मेरा भी शुरू होगा। तो ठीक है चलो, तो मैं अपना स्टॉप वॉच लगा लेती हूँ और रेडी रखो, ये देखो स्टॉप वॉच एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो आपको भी क्या लगता है कौन बिग बॉस टॉप 5 में जाएगा? अभी टॉप 6 में नहीं, टॉप 5 में। भैया टॉप 5 में तो मेरे को लग रहा है यार अर्चना, अर्चना, निमृत, शिव, शालिन और भूल गया मैं। तो मतलब अभी आपको लग रहा है कि सुम्बुल एलिमिनेट होगी? सुम्बुल यार मेरे को लग रहा है एलिमिनेट होगी, क्योंकि एक तो सुम्बुल के फैंस भी हैं जिनको लगे है कि यार सुम्बुल के साथ बुरा हो रहा है, और मतलब हो सकता है उसको इसलिए वो लोग बाहर निकाल देगी यार,
क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार सा हुआ ऐसा लग रहा है मुझे, तो मेरे को लग रहा है इसलिए सुमल को शायद बाहर निकलने का उसका मन होगा और वो बहुत तंग सी हो चुकी है मेरे को लग रहा है इसलिए। और सुमल वैसे अच्छी प्लेयर है क्योंकि नेचुरल रही अपने उससे, बट मेरे को लग नहीं रहा कि भाई वो आगे बहुत जा पाएगी, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटेजी चाहिए हर एक के लिए, और वो मतलब साफ दिल से आप नहीं खेल पाओगे इस गेम को। कोई बिग बॉस के डायलॉग्स याद है जो पूरे सीजन में? अब बिग बॉस के यार बहुत सारे डायलॉग हैं भाई, शालिन को जैसे बुलाता है बिग बॉस की, आ जाओ शालिन चलो सब लोगों को इकट्ठे कर लो, और शालिन डांस वांस कर रहा है, और शालिन ऐसे ऐसे कुछ डांस वांस कर रहा था, और भाई प्रियंका के हैं डायलॉग, अर्चना के हैं वो शायरी अर्चना की, और बिग बॉस का तो बिग बॉस के मतलब बिग बॉस के ऐसे स्पेसिफिकली कुछ डायलॉग याद नहीं है, तो मतलब नहीं याद है यार ऐसे स्पेसिफिकली। अच्छा तो आपका आपका भी फेवरेट, आपको क्या लगता है टॉप टू में कौन जाएगा? टॉप फाइव तो हो गया, अभी टॉप टू बता दो। टॉप टू में मेरे को लग रहा है यार, देखो मैं एक और चीज मैं आपको बता दूं जो मुझे लग रही थी, जो मैं बात आपको कहना भी चाहता था कि मेरे को लग रहा है कि अभी तीन लोग गए हैं, सुम्बुल गई है, एमसी स्टैन गया और शिव गया है, लेकिन मैं एक बात सही बताऊं ना, जो मेरे को लगता है एमसी स्टैन और सुम्बुल की बहुत ज्यादा वो है फैन फॉलोइंग एज कम्पेयर टू शिव, बट फिर भी शिव बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाकी पता नहीं। अब अगर मैंने जो पहले बोला था अगर उस हिसाब से जाए तो मेरे को लग रहा है टॉप टू में अर्चना, प्रियंका और शिव जा सकते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो जा सकते हैं। अच्छा और क्या अभी अभी क्या अभी उसके बिग बॉस के खत्म होने के बाद क्या देखने वाले हो? तो बिग बॉस के खत्म होने के बाद यार हम एक तो आप कमेंट में बताना यार कि हम क्या और नया हम किसके ऊपर अपनी बातचीत अपने मतलब अपन लोग बातचीत कर सकते हैं अपन सारे लोग मिलके, या फिर कोई और रियलिटी शो अपन देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे, या आप लोग कुछ सजेस्ट करोगे तो वो तो जरूर हम ट्राई करेंगे उस चीज को। तो नागिन सेवन में कौन आने वाला, क्या लगता कौन आएगा? तो यार देखो नागिन सेवन में मेरे को क्या लग रहा है कि एक तो मेरे को लग रहा है प्रियंका आ सकती है या टीना आ सकती है, मुझे इन दोनों के बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है मेरे 5 मिनट मतलब होने वाले शायद, बस बंद कर दो, मेरे 5 मिनट हो गए शायद, मन लियर भाई हूँ बहुत मेरे को लग रहा है। तो टाइम है ये इनका, चलो देखते हैं कौन जीता है कौन जीता है। तो अभी अभी आपने देखा कि स्कोर तो आपको तो पता ही है, लेकिन इंदु को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है मेरा स्कोर क्या होने वाला है। तो पहले मैं बताती हूँ, चलो भाई इंदु को बता दो भाई पहले। 2 minutes 43 seconds तो वैसे तो स्कोर बहुत बेकार है एज कम्पेयर टू 5 मिनट के हिसाब से, बट इंदु के लिए बता देता हूँ, इंदु का थोड़ा 2 minute 23 seconds था। ओह माय गॉड, तो मतलब कितना टफ हो गया वैसे तो एक्चुअली में पता। 5 मिनट मतलब आप बात नहीं कर पाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दिमाग कैसे लगाए 5 मिनट, हमें लगा हो गया सिर्फ आधा हुआ था 5 मिनट का भी। तो मतलब हम लोग किसकी कैटेगरी में माने, हम कौन जो शालिन आ गया था जल्दी, तो हम शालिन की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो लेकिन हम दोनों का टाइम मिला हो तो नियर बाय 5 मिनट ही जाता है, दो अकेले हमें 5 मिनट कर लेते, पर पाया। ठीक है दोस्तों, और आप बताओ अगर आपने यहाँ तक देखा तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बताना बिग बॉस में कौन विनर होने वाला आपकी साइड से, और तब तक के लिए बाय बाय।